दोस्तों आप लोग देख रहे हैं बेसिक नॉलेज यूट्यूब चैनल। आप सभी लोग का वापस स्वागत है हमारे चैनल पे। आज एक नया वैकेंसी लेके आपका सामने आ गया हूँ, वो है कैमलियन जो कंपनी है। ये मेनली बेस करता है स्कूल का आइटम में, जो स्टेशनरी आइटम है इसमें बेस करके चलता है, और पेंटिंग का रिलेटेड बहुत सारा आइटम ये रखता है। और आपको स्टेशनरी आइटम मिलेगा इसका ज़्यादा, इसमें जॉब वैकेंसी एक अच्छा खासा जॉब वैकेंसी निकला है, अच्छा खासा पेमेंट के साथ भी मिला है। और एक बात ये है, इसमें 12 प्लस जो किए हैं, 10 प्लस 2 जिन्होंने किए हैं, उसके लिए जॉब वैकेंसी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आया है। आपको अगर जॉब में अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, पूरा वीडियो मेरा देखते रहिए और बिना स्किप किए देखिए, कोई भी स्टेप ना छूटे। आपको बहुत सारा ऑप्शन है, आपको किधर जाना है किधर नहीं जाना, मैं पूरा डिटेल समझा देगा। उससे पहले मैं बता देता हूँ, देना चाहता हूँ, जो आदमी हमारे चैनल पे नया है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल को, और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर रखे रखिए, ताकि मैं जो जॉब का पहला वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन पहला आए। अभी बहुत सारा वीडियो आ चुका है आपका सामने, आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारा वीडियो आ चुका है। अभी कैमलियन के बारे में हम लोग बताएंगे, कैमलियन का क्या करना है, आपको सर्च मार लेना है कैमलियन करियर्स बोल के। सर्च मारने के बाद गूगल में देखिए थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, इसमें बहुत सारा naukri.com आएगा, लेकिन पहले आपको जाना है मेनली ये वाला सेक्शन में। मैं इसका डिस्क्रिप्शन जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देगा, आप लोग उसमें जाके क्लिक करके खोल सकते हैं डायरेक्ट www.kuyo.com, ठीक है, करियर्स, इसमें जाके आप लोग क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए जो करियर वाला ऑप्शन है, करंट जॉब वैकेंसी एट, देखिए SAT रिप्रेजेंटेटिव स्कूल एक्टिवेशन टीम, ठीक है, यानी ग्रेजुएट इसके लिए है, मुंबई और दिल्ली के लिए जॉब लोकेशन खोला है। ये भी अच्छा खासा सैलरी दे रहा है, 1.8 से लेके 2 PA, मतलब पर ईयर आपको 2 लाख तक सैलरी मिल सकता है। फ्रेशर के लिए है, या आपका कोई एक्सपीरियंस है 6 मंथ का तब भी चलेगा, ठीक है। फ्रेशर के लिए 2 लाख रुपीज़ इनकम है पर ईयर, अच्छा खासा इनकम है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अगर अभी अभी ग्रेजुएट किए हैं। और एक चीज़ है इसमें, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, स्टेशनरी प्रोडक्ट मुंबई के लिए है, HSC में जैसे बोला था 10 प्लस 2 या एनी ग्रेजुएट अभी अभी किए हैं, 1.80 से 2 लाख पर एनम तक, मतलब पर ईयर 2 लाख तक आपको मिलेगा। फ्रेशर के लिए भी है और 0.6 मंथ के लिए भी है, ठीक है। आप लोग जॉब डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं क्या क्या है क्या नहीं है, इसमें खाली 2 ही ऑप्शन शो करेगा, लेकिन जो मैं एक लिंक बता दे रहा हूँ आपको, इसमें ये वाला ऑप्शन में life@kaiko-kamlion, इसमें करियर वाला ऑप्शन में आप लोग एक बार क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको जनरल ओपनिंग में क्लिक कर लेना है, ठीक है। जनरल ओपनिंग क्लिक करने के बाद इसमें देखिए बहुत सारा वैकेंसी निकला है, उसमें खाली 2 ही दिखा रहा है, लेकिन इसमें क्लिक करने के बाद बहुत सारा अपॉर्चुनिटी, जैसे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव किसके लिए है, फाइन आर्ट एंड हॉबी के लिए, मुंबई के लिए है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव नोटबुक के लिए मुंबई के लिए है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव सेल्स के लिए है, कामिनी नगर के लिए है, कर्मिनी नगर के लिए है, सॉरी ऑफिसर के लिए है, सेल्स एडमिन के लिए मुंबई के लिए है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव सेल्स आगरा के लिए है, डिवीजन है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कहाँ के लिए है, पिंपरी के लिए है, सेल्स स्कूल एक्टिवेशन टीम मुंबई के लिए है, सेल्स के लिए है, बारामती के लिए है, बहुत सारा जगह में खुला है, आप लोग एक एक करके देखिए, कोयम्बटूर, नोएडा, गंतूर, इंदौर, इसके बाद 2 नंबर पेज में भी है, इसमें बहुत सारा वैकेंसी देखिए, गुड़गांव के लिए भी है, ग्रेटर नोएडा के लिए भी है। आप लोग को क्या करना है, अप्लाई के लिए इसमें क्लिक कर लेना है, ठीक है, कोई भी एक मान लीजिए। अप्लाई करने क्लिक करने के बाद देखिए ग्रेटर नोएडा मिनिमम HSC में, जैसे बोला था ये 10 प्लस 2 जिन्होंने अभी अभी कंप्लीट किया है, और इसका एज होना चाहिए 20 से लेके 25 साल तक, एक्सपीरियंस 0 होगा तब भी चलेगा। मैक्सिमम जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो 2 साल तक मांगा गया है। इसमें जॉब डिस्क्रिप्शन आप लोग देख लीजिएगा, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या करना है, उसको सेलिंग करना है, रिप्रेजेंटेटिव है, फिर आप लोग को अप्लाई में क्लिक कर लेना है। अप्लाई क्लिक करने के बाद यूजर नेम और पासवर्ड मांगता है। अगर आप इस पहला देख रहे हैं कैमलियन का साइट, तो आपको न्यू यूजर में क्लिक कर लेना है, न्यू यूजर आपको बनाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। देखिए मिस्टर आपका, मिस्टर, मिसेस, मिस, डॉक्टर, कैप्टन, आप कौन सा टाइटल है आपका, मिस्टर है तो मिस्टर डालिएगा, मिसेस है तो मिसेस डालिएगा,
या जो भी है आपको मिस है तो मिस डालिएगा, फर्स्ट नेम डालिए, मिडिल नेम डालिए, लास्ट नेम डालिए, मिडिल नेम नहीं है तो छोड़ दीजिए, लास्ट नेम जरूरी है। लास्ट नेम मतलब आपका टाइटल डाल दीजिए, ईमेल आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए, कोई ये पासवर्ड जो डालिएगा वो अल्फाबेटिक संख्या में भी रहेगा, स्पेशल करेक्टर भी रहेगा, सब आपको मिक्स कर देना है जैसा रहता है, एट एट करेक्टर होना चाहिए मिनिमम। और इसके बाद आपको स्पेशल करेक्टर जैसे हैशटैग हो गया, @ हो गया, वो सब डाल के आप पासवर्ड और सेम पासवर्ड इसमें डालिए, मेल या फीमेल आप डालिए, डेट ऑफ बर्थ आप डालिए, फादर नेम आपका पिताजी का नाम डालिए, सिटी आप कौन सा सिटी से है, बहुत सारा सिटी नाम आ रहा है वो देख लीजिएगा। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालिए इसमें, एड्रेस डाल दीजिए जो परमानेंट है आपका, पैन कार्ड अगर है तो आप डालिए, यस करिए, नहीं है तो नो करिए, ठीक है। इसके बाद बेसिक क्वालिफिकेशन किया है, बीए किया है, बीएससी किया है, एसएससी आप 10 किया है कि एचएससी किया है, आप वो डाल सकते हैं, कोई जो आप किए हैं लास्ट वो डाल दीजिए, ठीक है। डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा, एचएससी तो एचएससी। इसके बाद अगर मास्टर एमए किया है तो मास्टर किए हैं, सर्टिफिकेट कोर्स कुछ किए हैं तो ये डालिए। इसके बाद वर्क एक्सपीरियंस अगर फ्रेशर है तो फ्रेशर रहने दीजिए, अगर आपके पास कुछ भी है या आप 2 साल, 1-2 साल काम किए हैं, 3 साल काम किए हैं उसके लिए ये है, फ्रेशर के लिए तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप फ्रेश एक्सपीरियंस वाला है, आप अभी किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो उसका CTC क्या है, CTC मतलब आप कितना अर्निंग करते हैं पर एनम, ठीक है। आपका CTC ग्रॉस सैलरी क्या होता है, CTC इसको बोलते हैं, जिसको बोनस विथ ट्रैवल अलाउंस जो मिलता है उसको CTC बोलते हैं। CTC आप कितना है वो डालिए, आप कौन सा डिपार्टमेंट पे हैं वो डाल दीजिए, कौन सा डिपार्टमेंट, फिर आपका रिज्यूम टाइटल एक डाल दीजिए, मेरा रिज्यूम है। इसके बाद रिज्यूम अपलोड करके सबमिट कर दीजिए, जो आपका यूजर आईडी हो जाए, ईमेल आईडी हो जाएगा आपका यूजर आईडी, और पासवर्ड आप जो डालेंगे वो आपको पासवर्ड, फिर आपको अप्लाई करने में आसानी रहेगा। अगर इसमें भी कुछ प्रॉब्लम होता है, जो आपको तकलीफ होता है, जो कुछ हो नहीं रहा है, तो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, मैं ज़रूर कोशिश करेगा इसका पूरा वीडियो बनाने के लिए, जो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है मेरे को आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ईमेल करना है तो ये वाला ईमेल में आप लोग ईमेल भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप सिलेक्शन होता है तो इंटरव्यू का माध्यम से आपको वो लोग इंटरव्यू ले लेंगे अपना, इस आपको टाइम दिया दीजिएगा, जे आप इतना टाइम में इंटरव्यू दीजिए, आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको साथ नेगोशिएशन हो जाएगा, जे आपको कितना आपको मिलेगा, इसमें कितना मिलेगा, 1.8 या 2, जो आपका नेगोशिएशन रहेगा वो देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग अगर फ्रेशर है तो उसके लिए तो कुछ करने का ज़रूरत है नहीं है, लेकिन जिन्होंने एक्सपीरियंस वाला है उनके लिए आप कितना नोटिस पीरियड, कितना 15 डेज, अगर काम छोड़ने के लिए कितना टाइम चाहिए, 10 डेज, 30 डेज या 15 डेज, जो आप करेंगे वो देख लीजिएगा, आप लोग डाल सकते हैं उसमें, ठीक है। तो आशा करता हूँ मैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और चैनल को अगर किसी के पास जॉब नहीं है वो शेयर भी करिए, आपका दोस्त को शेयर करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखिए, ताकि हमारा वीडियो आपको नोटिफिकेशन पहला आए, ठीक है। मिलते हैं अगला वीडियो में, थैंक यू।